गोल्डन हार्ट मेडिटेशन में मैं मोनिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यह एक बहुत अनोखी ध्यान विधि है जो कि एक तिब्बतन मास्टर अतिशा द्वारा दी गई है। अतिशा आज से 1000 साल पहले इस पृथ्वी पर हुए और उन्होंने एक बहुत अनोखी ध्यान विधि हमें दी जिससे हमारे दुख ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हम खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। इस विधि को ओशो ने फिर से हमें उजागर किया। हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं मास्टर ओशो के जिन्होंने इस विधि को हमारे लिए फिर से उपलब्ध करवाया। तो चलिए समझते हैं कि यह विधि क्या है। अतिशा कहते हैं, ट्रेन इन ज्वाइनिंग सेंडिंग एंड टेकिंग टुगेदर, डू दिस बाय राइडिंग द ब्रेथ। क्या अभिप्राय है इस बात का? हम समझते हैं इस विधि में हम सारी दुनिया के दुखों को अपने भीतर इनहेल करते हैं और हमारे हृदय में वह कीमिया है कि वह दुखों को ट्रांसफॉर्म करके उसे पीस, शांति, प्रेम में उसे बदल सकता है और उसे हम एक्सहेल करते हैं। तो यह विधि है, हम आज इस विधि का अभ्यास करेंगे, इसमें बहुत गहरे उतरेंगे। इस विधि में गहरे उतरने से पहले अपने लिए कुछ ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ पर अगला कुछ समय, अगला 40 मिनट या 45 मिनट आपको कोई भी तंग ना करे, बिल्कुल आप अकेले हो जाएं अपनी निजता में, अपने मैंपन में, ताकि इस विधि का हम अभ्यास कर सकें। इस विधि को सांसों के साथ जोड़कर किया जाता है। हम हर आती हुई सांस में पूरी दुनिया के दुखों को अपने भीतर इनहेल करेंगे, उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रेम में और उसे हम पूरी दुनिया को वापस दे देंगे। यह लगभग ऐसा ही है कि जैसे भगवान शिव ने विष पीकर अमृत सबको दिया, तो कहा जा सकता है कि अध्यात्म की यात्रा शिवत्व की ही यात्रा है। जब तक हम इस लायक नहीं हो जाते कि हम दूसरों का दुख भी ले सकें और उनको अपना प्रेम दे सकें, अध्यात्म की सब बातें अधूरी हैं। मैं यह नहीं जानती कि आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति में ज़िंदगी में किस मुकाम पर हैं, लेकिन हाँ, इस विधि का अभ्यास किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस विधि में। बहुत लंबी और गहरी सांस से हम इस विधि की शुरुआत करेंगे। बहुत लंबी और गहरी सांस आप लें। कुछ क्षण अपने ही भीतर इस सांस को रोकें। और इसे रिलीज कर दें। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें। सांस छोड़े तो छोड़ते ही जाएं, लेने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें। एक और बहुत लंबी और गहरी सांस लें और इसे रिलीज कर दें। देखें कि यह जो सांस आप ले रहे हैं, देखें कि
यह आपके हृदय से ही उठ रही है, क्योंकि आपके हृदय में ही वह कीमिया है जो दुखों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इस पूरी विधि के दौरान हम हृदय से ही सांस लेंगे, बहुत लंबी और गहरी सांस लेंगे। याद करें उन सभी दुखों को जो आपने कभी जिंदगी में झेले होंगे। बचपन में कुछ हुआ हो, देखें उन सब दुखों को जो शायद आपने किसी ना किसी रूप में झेले हैं। फिर से जिएंगे उन दुखों को। कभी किसी ने अपमान किया होगा, कभी किसी ने जिंदगी में इग्नोर किया होगा, कभी किसी ने जिंदगी में आपको छोटा दिखाने की कोशिश की होगी। कभी किसी ने आपका प्रेम स्वीकार ना किया होगा। कभी जिंदगी में फेल हुए होंगे। याद कर लें आज उन सभी दुखों को। और गहरी सांस के साथ इन दुखों को अपने ही भीतर ले जाएं। और एक्सहेलेशन में महसूस करें कि आप अपना प्रेम पूरी दुनिया के साथ बांट रहे हैं। फिर से याद कर लें अपनी ही जिंदगी के दुख, जब शायद आप अकेले थे, डरे हुए थे, शायद आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। याद कर लें उस दुख को और अपने ही भीतर ले जाएं। और उसे एक्सहेल कर दें प्रेम और शांति की तरंगों के रूप में, और इसे पूरे विश्व में फैल जाने दें। Continue to inhale the pains and the miseries, and continue to exhale your love for the entire world. याद कर लें कोई और दुख अपनी जिंदगी का, जब शायद आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, अपने ही मन की करने का मौका नहीं मिला। याद कर लें उस दुख को और पी जाएं अपने ही गमों को, और एक्सहेल कर दें शांति प्रेम इस पूरे विश्व के लिए। करें कोई और दुख आपकी जिंदगी का, बच्चे बात नहीं सुनते, कोई प्रेम नहीं करता, कोई समझता नहीं है। पी लें उस दुख को अपने ही भीतर और एक्सहेल कर दें आपका प्रेम और शांति इस पूरे विश्व के लिए। ऐसे ही आज एक एक करके चुनके हमें सारे दुखों को अपने ही भीतर लेके जाना है, उन्हें अपने ही भीतर समाहित करना है, और अपना प्रेम और अपना अपनापन
और अपनी शांति इस पूरे विश्व में इसकी तरंगों को हमें फैला देना। याद करें आपकी जिंदगी का वह दुख जब आपका शायद कोई आपका प्यारा था और वह चला गया, अब वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। पी लें उस दुख को अपने ही भीतर और अपना प्रेम उड़ेल दें इस पूरे अस्तित्व पर। याद करें जब आप अकेला महसूस करते हैं, कोई अपना नहीं, बाहर से चाहे कितने भी रिश्ते नाते हों, भीतर वही अकेलापन, वही तन्हा तन्हा फीलिंग। इनहेल कर लें इस दुख को भी अपने भीतर, पी लें अपने सारे गम और उड़ेल दें आपका प्यार इस पूरे विश्व के लिए, इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। कोई बात नहीं सुनता, कोई दिल की बात नहीं समझता, अपने ही दुख देते हैं, अपने ही कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। पी ले इस दुख को अपने भीतर और उड़ेल दें अपना प्यार इस पूरे अस्तित्व पर। इस विधि को करते जाएं जब तक आपने आपका आखिरी दुख भी अपना पी लिया हो, जब तक आपने आपका आखिरी दुख भी ट्रांसफॉर्म करके प्रेम में ना बदल दिया हो, तब तक इस विधि को हमें करते जाना है, करते ही जाना है। याद करें वह दुख जब शायद किसी बीमारी में आपने बहुत कष्ट झेला हो और उस बीमारी में शायद आप अकेले भी पड़ गए हों। पी लें उस कष्ट को अपने ही भीतर और उड़ेल दें अपना प्यार इस पूरे अस्तित्व पर। कोई और अपनी ज़िंदगी का दुख याद करें जिससे आपको बहुत कष्ट पहुंचा हो, कहीं अपनों ने ही चोट पहुंचाई हो, कहीं अपनों ने ही ज़िंदगी में साथ ना दिया हो। याद कर लें उस दुख को, पी लें अपने सारे गमों को अपने ही भीतर एंड एक्सहेल द लव एंड कंपैशन। आज आपके हृदय में संग्रहित खजाने में से एक एक करके सारे दुखों को निकालते जाएं, अपने दुखों की गठड़ी खाली कर दें और आपका प्रेम और आपका कंपैशन इस पूरे अस्तित्व में बांट दें। चलिए इस विधि के अब हम अगले चरण में चलते हैं। याद करें उन कष्ट को जो शायद आपके परिवार वाले झेल रहे हैं,
शायद बूढ़े माता पिता आपके होंगे जो कि किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे। याद कर लें उनके भी कष्ट को, उस कष्ट को पी लें आप, और आपका प्रेम और कंपैशन इस पूरे विश्व में फैल जाने दें। फिर से अपने माता पिता के सभी कष्टों को पी लें और उड़ेल दें अपना प्रेम उनकी तरफ। आपके स्पाउस, आपकी पत्नी, आपके पति को भी आपसे कोई शिकायत होगी, उनकी भी जिंदगी के अपने दुख होंगे, वो भी अपनी जिंदगी में तन्हा होंगे, उनकी भी कोई बात ना सुनता होगा, उनके भी दुखों को पी लें आज और अपना प्रेम और अपना अनुग्रह उढ़ेल दें वापस उनके ऊपर। आपके बच्चों की अपनी समस्याएं होंगी, वो भी शायद अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे होंगे और शायद उस लेवल पर ना आ पाते होंगे जहां वह आना चाहते हैं। पी लें उनके भी दुखों को आज और अपना प्रेम और अपना कंपैशन बह जाने दें आपके ही बच्चों की तरफ। करते जाएं इस विधि को जब तक एक आखिरी दुख भी आपको याद आ रहा है, तब तक पीते जाएं सारे दुखों को। बन जाएं आज महादेव, बन जाएं आज नीलकंठ, और अपना प्रेम और अपना कंपैशन इस पूरी अस्तित्व में फैल जाने दें। देखें कैसे आपके हृदय में वह कीमिया है, देखें कितना पावरफुल आपका हृदय है जो सभी कष्टों को ट्रांसफॉर्म करके और प्यार में उसे बदल सकता है। अब याद करें उन दुखों को जो शायद आपके पड़ोसी झेल रहे होंगे, आपके जान पहचान वाले मित्र झेल रहे होंगे, किसी की कोई फाइनेंशियल समस्या चल रही होगी, कहीं पति पत्नी में ही आपस में नहीं बनती होगी, कहीं बच्चे बात नहीं मानते, कहीं कोई हेल्थ इश्यूज है, यह अस्तित्व, यह संसार तो दुखालय है। आज हम पी लेंगे उन सभी दुखों को और अपना प्रेम बह जाने देंगे सबके प्रति। याद कर लें सबके सभी दुखों को, आपके मित्रों के दुख, किसी को नौकरी से निकाल दिया होगा, पी लें उसके सारे कष्टों को और अपना प्रेम बह जाने दें उसकी तरह। कोई आपका मित्र बीमारी से जूझ रहा होगा, पी लें उसके भी सारे कष्टों को और बह जाने दें आपका प्रेम उसकी तरह। कोई आपके मित्र पति पत्नी की नहीं बनती, पी लें उनका भी कष्ट आज और बह जाने दें आपका प्रेम उनकी तरफ। कहीं कोई एक दूसरे को धोखा दे रहे होंगे और जानबूझकर दूसरा व्यक्ति देखते हुए भी अनजान बन रहा हो, पी लें उनके भी कष्टों को आज और आपका प्रेम बह जाने दें।
करते रहें इस विधि को, जब तक इस दुनिया का आखिरी दुख भी आपको याद आ रहा है, तब तक इस विधि को करते रहेंगे। अतिशा कहते हैं, ट्रेन इन ज्वाइनिंग, सेंडिंग एंड टेकिंग टुगेदर, डू दिस बाय राइजिंग द ब्रेथ, इनहेल द पेन्स ऑफ एवरीवन एंड एक्सहेल योर लव एंड कंपैशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। Inhale the pain and exhale love. Inhale the pain of your loved ones and exhale love. अब याद कर लें उन दुखों को जो कि शायद आपके घर में कोई काम वाली होगी, कोई ड्राइवर होगा, कोई माली होगा, उनके भी अपने कष्ट हैं, उनकी भी अपनी गरीबी, बीमारी, इस तरह की अपनी समस्याएं हैं, उनके भी सभी कष्टों को पी लें। और उड़ेल दें आपका प्रेम उनकी तरफ। गरीबी में कहीं बहुत बच्चों की समस्या, कहीं खाने को पूरा नहीं पड़ता, कहीं घर के ऊपर छत नहीं है। पी ले उन सब दुखों को आज, और आपका प्रेम बह जाने दे उनकी तरह। इतने दुनिया में दुखी लोग हैं, सब तरफ प्रेम की ही कमी है, सब तरफ दुख ही दुख हैं। ऐसे में कौन है जो किसी का दुख ले लेना चाहता हो? लेकिन अतिशा कहते हैं कि यही विधि है, यही तरीका है कि हम सबके दुखों को अपने भीतर ले लें और उसे ट्रांसफॉर्म करके अपना प्यार उनको वापस दे दें। करते जाएं इस विधि को, करते जाएं, जब तक आखिरी दुख भी आप किसी का याद कर पा रहे हो, इस विधि को करते जाएं लगातार। इनहेल द मिजरीज एंड एक्सहेल लव। याद कर लें जानवरों के भी दुख, उनका अपना संसार है, उनके अपने कष्ट हैं। कहीं खाने की तलाश में दर बदर भटकना पड़ता है, कहीं बीमारी है। पी लें उन जानवरों के भी कष्टों को और अपना प्रेम और कंपैशन उनकी तरफ बह जाने दें। याद कर लें उन जानवरों को जो कि शायद बूचड़ खाने में हैं, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको शायद आज मार दिया जाएगा और वह किसी का भोजन बन जाएंगे, उनके भी दर्द को पी लें आज और अपना प्यार उनकी तरफ प्रवाहित कर दें। याद कर लें उन सब पक्षियों को जो कि पिंजरे में बंद हैं, जो कि अपनी आजादी को तरसते हैं,
उनका भी कष्ट आज पी लें और अपना प्रेम उनकी तरफ बह जाने दें। याद कर लें उन सब जानवरों के कष्ट जो कि सड़कों पर बीमारी की हालत में खाने की तलाश में दर बदर भटकते हैं। कोई उन्हें प्रेम नहीं करता, कोई उन्हें अपना नहीं समझता। उनके भी कष्टों को पी लें और अपना प्रेम बह जाने दें उन सब की तरह। करते जाएं इस विधि को, तब तक करते जाएं जब तक आपको इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति का आखिरी दुख आप नहीं उसे पी लेते। इस विधि को करते ही जाना है। इनहेल द लव एंड एक्सहेल योर लव एंड कंपैशन। देखें कैसे आपका हृदय सब दुखों को ट्रांसफॉर्म करके प्रेम में कन्वर्ट करता जा रहा है। देखें कैसे आपकी सांस बहुत लंबी और गहरी हो गई है और कैसे हर सांस में आप दुखों को पीते जा रहे हैं और आपका प्रेम बस बहता जा रहा है आपसे। अब अगले कुछ क्षण मैं चुप कर जाती हूँ, आप इसी भाव दशा में पड़े रहें और अपना प्रेम उढ़ेलते रहें इस पूरे विश्व पर, इस पूरे संसार पर। जैसे जैसे आप इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं आप भीतर से मौन होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। एक सन्नाटे ने जैसे आपको सब तरफ से घेर लिया है। सुने इस सन्नाटे की आवाज़ को और महसूस करें अपने ही वजूद को।
चलिए अब समय है इस ध्यान से बाहर आने का। धीरे से करवट लेकर उठकर बैठें। धीरे से अपने शरीर को हिलाएं, हाथों पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं और अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों को पंख की भांति छुएं और धन्यवाद दें उस ईश्वर का जिसने आपको प्रेरणा दी आज इस गोल्डन हार्ट मेडिटेशन को करने के लिए। हम धन्यवाद से भरेंगे अपने ही लिए, क्योंकि हम भी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हम में इतनी क्षमता है कि हम सारी दुनिया के दुखों को पी सकते हैं और अपना प्रेम उन पर बांट सकते हैं। मैं मोनिका आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस विधि को आपने किया और मुझे भी आपने मौका दिया आपकी सेवा का। मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।